भारत में किसानों की आय को दोगुना करने और खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई योजनाएं चलाती रहती हैं। उन्हीं में से एक है पीएम कुसुम योजना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम कुसुम योजना किस साल शुरू हुई थी? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको कुछ ऑप्शन देते हैं। तो सवाल ये है कि पीएम कुसुम योजना कब शुरू हुई थी? 2015, 2019, 2020 या फिर 2023? सोचिए सोचिए, क्या लगता है आपको पीएम कुसुम योजना कब शुरू हुई थी? चलिए हम ही आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है 2019। अब जानते हैं पीएम कुसुम योजना से जुड़ी सारी जानकारी। सोलर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए साल 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत गांव क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है। सोलर प्लांट की मदद से किसान फ्री बिजली का लाभ उठा सकते हैं। खासकर ये योजना किसानों के लिए शुरू की गई थी ताकि वे सोलर की मदद से बिजली पैदा कर सकें और अपने और आसपास के खेतों की सिंचाई कर सकें। इस योजना का उद्देश्य साल 2022 तक 30,800 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करना था। हालांकि केंद्र सरकार की कुसुम योजना से किसानों को दो तरह से फायदा हो रहा है। पहला फायदा ये कि किसान खेतों में सिंचाई के लिए फ्री बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा ये कि अगर किसान अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को भेजते हैं तो उसके बदले में उन्हें कमाई भी होती है। यानी इस योजना के जरिए किसानों की आय भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, बंजर जमीन वाले किसान भी सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बंजर जमीन भी किसानों के लिए आमदनी का जरिया बन गई है। अब जानते हैं कि पीएम कुसुम योजना में कितनी मिलती है सब्सिडी। पीएम कुसुम योजना में किसानों को खेत में सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक सब्सिडी दी जाती है। इसमें 30% तक केंद्र सरकार और 30% तक राज्य सरकार देती है। 30% बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है और बाकी बचा हुआ 10% पैसा किसानों को देना होता है। पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत होती है, जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, भूमि संबंधित दस्तावेज, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन की कॉपी, ऑथराइजेशन का लेटर। बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की आखिरी तारीख मार्च 2026 तक कर दी है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।